हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स का बहुत ही बेसिक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। देखिए बेटा, फिजिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए दो चैप्टर्स का आना बहुत जरूरी है। फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स एंड सेकंड वेक्टर एनालिसिस। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने दो चैप्टर्स बहुत ही स्ट्रांगली समझ लिए, सीख लिए, तो फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट फिजिक्स से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, फिजिक्स से थोड़ा सा डरते रहते हैं। तो फिजिक्स से वही बच्चा डरता रहता है जिसके मैथमेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं। अगर उन बच्चों के मैथ्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे आपस हो जाए और वेक्टर के कंसेप्ट आपका बहुत ही अच्छे आपस हो जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिक्स आपका इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। फिजिक्स आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आपको फिजिक्स में फिर तो पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है, बस आपको एक बार इंटरेस्ट डेवलप करना है। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कहां से डेवलप होता है, तो इंटरेस्ट डेवलप होने वाले जो चैप्टर्स हैं वो बेटा यही है, फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स एंड सेकेंड वेक्टर एनालिसिस। अब इन दो चैप्टर से ही इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। अब बात आती कि हमें मैथमेटिक्स पढ़ते समय क्या हमें कंप्लीट मैथमेटिक्स की बात करनी है? नहीं, हमें मैथमेटिक्स में वो पोर्शन केवल डिस्कस करना है जो हमारी फिजिक्स में यूज होगा। अब फिजिक्स में यूज होने वाले बस बेसिक चीजें आपको डिस्कस करना है। एक तो बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात करेंगे, एलजेब्रा की बात करेंगे, एलजेब्रा में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, एपी जीपी की बात करेंगे, है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन की बात हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट अपना से कंसेप्ट दैट इज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे और ग्राफ की बात करेंगे। हमें केवल इतना बेसिक पढ़ना है, बहुत ही बेसिक लेवल पर पढ़ना है, और उसके बाद हमें वेक्टर के कंसेप्ट आपको आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आज हम लोग वही स्टार्टिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स में। जब हम फिजिक्स, अभी हम फिजिक्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी को हम सिर्फ मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है बेटा। तो बात आती है कि अगर हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग करेंगे मैथमेटिकल क्वांटिटीज से ही स्टार्टिंग करेंगे। आगे चल के जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो हम वहां से स्टार्टिंग करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज से स्टार्टिंग करेंगे। तो आज हम मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिकल क्वांटिटीज से स्टार्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी। ऑल द मैथमेटिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी और सेकेंड बेटा वेरिएबल क्वांटिटी। कॉन्स्टेंट क्वांटिटी का मतलब हो गया दैट इज अपना सिर्फ फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड वैल्यू, तो ऐसी क्वांटिटी को तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हो गया। वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब विच आर वेरी, जो आपस से वेरी करती हो, जो आपस से बार बार वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, बदल रही हो, तो ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्वांटिटी बोलेंगे। दिस वेरिएबल क्वांटिटी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स, फर्स्ट बेटा यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब बात आती है, अब इतना पहले समझिए, जरा सीखे कि मैथमेटिकल क्वांटिटी हमने दो टाइप की बताई, फर्स्ट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, कॉन्स्टेंट मीन्स हो गया बेटा फिक्स्ड क्वांटिटी, और सेकेंड वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल मतलब विच आर चेंज विद रिस्पेक्ट टू अपना से टाइम, जो अपना से बार बार अपना से किसी के रिस्पेक्ट में बार बार वैल्यू क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बेटा, वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी को हमने दो टाइप से कैटेगराइज किया, फर्स्ट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड कौन सा बेटा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इतना आपका से क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सर इसका फिजिक्स में यूज क्या है, तो इसका बेटा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, जियोलॉजी में, बॉटनी में, हिस्ट्री में, हर जगह इसका यूज होगा। अब कहां यूज होगा, जब हम ग्राफ आपका डिस्कस करते हैं, क्या डिस्कस करते हैं, ग्राफ। जनरली मैंने देखा है कि बच्चे आपस ग्राफ से बहुत आपका डरते रहते हैं, जबकि ग्राफ का जो क्वेश्चन होता है बेटा बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम होता है। आज हम वहीं से स्टार्टिंग करने वाले हैं कि ग्राफ आपका प्लॉट कैसे करेंगे। तो जब हम ग्राफ की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर कहा कि ये कोई ग्राफ हमें प्लॉट करना है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x,
कितना बेटा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब इसमें टर्म यूज हो रहा है दैट इज अपोसिट फंक्शन। अब बात यहां पर फंक्शन को समझने के लिए हम फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, फंक्शन को हम कैसे रिलेट करेंगे। अभी फंक्शन जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अपना से मैथमेटिक्स का पूरा अपना एक कंसेप्ट है, हमें उस कंसेप्ट में नहीं जाना है, हमें तो बस बेसिक लेवल पर बात करनी कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डे टू डे लाइफ में हम जनरल हमारी जो लैंग्वेज होती है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट में हमें एक मोबाइल सेट हमें लेना है तो हम बोलते हैं कि भाई हमने जो अपना मोबाइल सेट अपना लिया है उसमें बहुत सारे अपना से फंक्शन है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन, या हमारे घर में एक नया आपका टीवी आया हुआ है उसमें बहुत सारे अपना से फंक्शन है, या हमारे घर में एक नया अपना से एक वॉशिंग मशीन आई हुई है उसमें बहुत सारे अपना से फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नथिंग बट दिस इज जस्ट लाइक इज ए मशीन, दिस इज जस्ट लाइक इज ए मशीन। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर हम ये कहें फॉर एग्जाम्पल हमने ये कहा कि फंक्शन को हमने एक मशीन बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये फोटोकॉपी की मान लीजिए कोई मशीन है, अब इस फोटोकॉपी की मशीन में अगर हम यहां से एक ब्लैंक पेज अगर हम इंटर कराते हैं, एक ब्लैंक पेज आपको इनपुट आपको देते हैं और एक नंबर का आपने बटन दबाया तो बाहर बेटा आपको से बताए फोटो स्टेट होकर के कितने पेज मिलेंगे, एक ही पेज तो मिलेगा। अगर आपने यहां से दो आपका से ब्लैंक पेज इंटर किए तो मशीन से यानी कि फोटो स्टेट होकर के इस फंक्शन से अपना से फोटो स्टेट होकर के बाहर कितने पेज मिलेंगे बेटा, दो ही तो पेज मिलेंगे। अगर आपने यहां से तीन पेज आपने एंटर किए तो बाहर बताइए अपना से फोटो स्टेट होकर के कितने पेज मिलेंगे, तीन ही पेज तो मिलेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस फंक्शन में इस मशीन में हम जितना इनपुट देंगे उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा बेटा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर हमने यहां से देखें इस फंक्शन में अगर हमने यहां से x इक्वल टू 1 इनपुट दिया, x इक्वल टू 1 तो बाहर बताइए 1 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा इस फंक्शन से ऑपरेट होकर के क्या मिलेगा, f ऑफ 1, और ये f ऑफ 1 किसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी, तो यहां से y इक्वल टू बोलो क्या मिलेगा, f ऑफ 1 मिलेगा। अगर आपने यहां से x इक्वल टू बेटा यहां से बताओ 2 इनपुट दिया तो बाहर बताओ क्या मिलेगा, y इक्वल टू आपका f ऑफ 2 आपका से मिलेगा। अगर आपने यहां से x इक्वल टू 3 इनपुट दिया तो बाहर बताइए कितना, y इक्वल टू f ऑफ 3 आपका से मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये कि इस फंक्शन में हम जितना इनपुट देंगे उसी हिसाब से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x इक्वल टू हम 5 इंटर करें और इधर y इक्वल टू f ऑफ आपका 6 मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फंक्शन क्या कर रहा है, ये y और x को आपस में क्या कर रहा है बेटा, रिलेट करने का काम कर रहा है, ठीक है ना, y और x को आपस में क्या कर रहा है, रिलेट करने का काम कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों वेरिएबल x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हम जो डाल रहे हैं, जो इनपुट हम दे रहे हैं, ये तो हम अपनी मर्जी से आपका दे रहे हैं, लेकिन y अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, y किसके हिसाब से चलेगा बेटा, x के हिसाब से चलेगा, इनपुट के हिसाब से चलेगा। मतलब ही कि x इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 हम जो दे रहे हैं ये दोनों वेरिएबल है, y और x दोनों वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल पे तो हमने दो बताए, फर्स्ट कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल और सेकेंड कौन सा बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कि y जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, x पर डिपेंड कर रहा है, तो y बताइए कौन सा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से y आपका हो गया बेटा कौन सा, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और x बताइए यहां पर क्या हो गया, इंडिपेंडेंट आपका से वेरिएबल हो गया। कितना बात समझ में आ गया। अब देखिए जब भी हम बेसिक ग्राफ की बात करते हैं तो आपने देखा होगा ग्राफ में एक वर्टिकल एक्सिस होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, तो जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो दोनों वेरिएबल्स, दोनों एक्सेस वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स में एक बेटा डिपेंडेंट और सेकंड कौन सा इंडिपेंडेंट। तो याद रखिए एक बेसिक रूल होता है, जब भी हम फिजिक्स का कोई ग्राफ प्लॉट करें, जब भी हम केमिस्ट्री का कोई ग्राफ प्लॉट करें, या किसी भी सब्जेक्ट का ग्राफ प्लॉट करें, तो इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, फर्स्ट आपका डिपेंडेंट और सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करें तो आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा वर्टिकल एक्सिस मिलेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस मिलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन एनी ग्राफ प्लॉटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग वर्टिकल एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये आपका हमेशा होल लाइफ अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो ये बात हमें हमेशा होल लाइफ आपको देखने को आपको से मिलेगी कि देखिए फिजिक्स जो है नेचर के सबसे क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स है। हम सुबह मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक
हम जो भी अपना एक्टिविटी करते हैं वो सारी की सारी क्या है, फिजिक्स है। हम मोशन करते हैं, हम चलते हैं, क्या है, फिजिक्स है। हम अपना से साइकिल चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो क्या है, फिजिक्स है। हम अपना से किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हम फोर्स की बात करते हैं, रेफरेंस फ्रेम की बात करते हैं, रियल फोर्स की बात करते हैं, सूडो फोर्स की बात करते हैं। तो ये आपका सुबह से शाम तक जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो पूरी की पूरी क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स के कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छे होना चाहिए। मैंने अभी बोला कि नेचर के सबसे क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन सा बेटा, फिजिक्स है। तो आप जरा ध्यान से सुनना, अगर हमने अभी आपको एक बेसिक बात आपको बताई कि जब भी किसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किधर लेंगे बेटा, वर्टिकल एक्सिस में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किधर लेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। अभी आपको ग्राफ प्लॉट करना नहीं सिखा रहा हूं, अभी ग्राफ की बहुत बेसिक बेसिक बातें आज आपको डिस्कस करेंगे, सिखाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपने खुद ब खुद आज की क्लास के बाद आपको इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर को पढ़ाते समय हम पूरी की पूरी फिजिक्स को रिलेट करेंगे, बेसिक लेवल पूरी की पूरी फिजिक्स आपका रिलेट हो जाएगी। तो आपको जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा, और एक बार बेटा इंटरेस्ट आपका डेवलप हो गया तो फिजिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब बात आती है कि इसका सर डेली लाइफ में क्या यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके आप देखिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, समझा सकता हूं। चलिए मैं दो तीन एग्जाम्पल की बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी टाउन में, एक छोटे से आपका टाउन में एक मान लीजिए एक छोटा सा एक बैंक है, और उस बैंक में एक आपका क्लर्क और एक प्यून है, तो आपने देखा होगा कि उस सिस्टम के अंदर अगर क्लर्क को एक ग्लास पानी भी लेना होगा तो बेटा किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा कि भैया फलाने से एक ग्लास पानी लेके आओ। अगर उसको एक फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में भी भिजवानी होगी तो किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा कि भाई फलाने सिंह ये फाइल अपना से उस ऑफिस में देके लो। मतलब अगर उसको अपने घर के लिए कोई सब्जी भाजी भी मंगानी होगी तो बेटा किसकी हेल्प लेगा, प्यून की हेल्प लेगा कि भाई अपना से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि उस सिस्टम के अंदर, उस चेम्बर के अंदर जो क्लर्क है वो क्या है बेटा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट है। इसलिए कहां बैठ रहा है, ऊपर बैठा है, उसको चेयर मिल रही है, और बाकी बताइए प्यून क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो तो फ्री वेरिएबल है, वो अपने काम भी करता है और दूसरों के भी करता है। मतलब क्या है, फ्री वेरिएबल, इसलिए हमेशा कहां रहेगा, हॉरिजॉन्टल मतलब नीचे रहेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो डिपेंडेंट होता है वो हमेशा उसको किधर लेंगे, वर्टिकल एक्सिस में, और जो इंडिपेंडेंट होगा उसको हमेशा किधर लेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कंसीडर करेंगे। ये पूरी होल लाइफ आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे, चलिए मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके स्टेट में आपके सीएम अगर आपके टाउन में आकर के, आपके सिटी में आकर के उनको एक बहुत बड़ा अपना से मान लो पब्लिक मीटिंग करनी है, तो अगर उनको पब्लिक मीटिंग करनी है तो आप उनके लिए, आपने देखा होगा कि उनके लिए बड़ा सा बेटा एक स्टेज बनाया जाता है, ठीक है ना। तो वो कहां बैठते हैं बेटा, ऊपर, और पब्लिक कहां बैठती है, नीचे। अच्छा बताओ वो सीएम किसकी वजह से बने, पब्लिक की वोटों की वजह से तो बने। तो बताइए वो क्या हुए, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट किसके ऊपर, पब्लिक के ऊपर। मतलब हम सब लोगों के ऊपर अपना से वो क्या हुए, डिपेंडेंट, इसलिए कहां बैठ रहे हैं, ऊपर। और जो पब्लिक है वो इंडिपेंडेंट है, फ्री वेरिएबल है, कहां बैठ रही बेटा, नीचे। तो हमेशा याद रखिए, हालांकि एक लॉजिक और है आगे आपको वर्क पावर एनर्जी में अपना से पढ़ाया जाएगा कि जैसे जैसे बंदे का अपना से लेवल, ग्राउंड लेवल आपका हाइट अपना से बढ़ता जाता है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल अपना से बढ़ता जाता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल अपना से बढ़ता जाता है। हम लोग भी क्लास में आपका एक स्टेज अपना से बनवाते हैं तो बच्चों के और हमारे बीच में एक डिफरेंस रहता है। उसका लॉजिक ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल अपना से रहता है। जैसे 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 आपकी बॉडी में अगर बात करें तो आपका माइंड देखो यहां पर है, क्यों, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है बेटा, मैक्सिमम, मतलब एनर्जी। तो यही तो एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो जैसे जैसे हाइट अपना से बढ़ता जाता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपना से इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज अपना से होती है। तो वो कंसेप्ट आपको आगे डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ इतना याद रखिए कि डिपेंडेंट क्या और इंडिपेंडेंट क्या है, ठीक है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि डिपेंडेंट किधर होगा बेटा, वर्टिकल एक्सिस में, और इंडिपेंडेंट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। इतना बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ओके। अब उसके बाद अगर मैं यहां से फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा एग्जाम्पल, चलिए बात कर लेता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई हमें ग्राफ प्लॉट करना है बेटा, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो एक्स बोलो क्या हुआ, यहां पर
डिपेंडेंट हो गया, एक्स क्या हो गया डिपेंडेंट, और टी क्या हो गया बेटा इंडिपेंडेंट आपका वेरिएबल हो गया। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ अगर देखें तो एक्स किधर लिखेंगे बेटा वर्टिकल और टी किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर मैं चलिए एक एग्जांपल और देता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, तो बताइए वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ बेटा टाइम के साथ, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो दोनों वेरिएबल, तो वेलोसिटी क्या होगा बेटा बोलो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और टी बोलो क्या हो गया यहाँ पर इनडिपेंडेंट आपका से वेरिएबल। तो जब हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बताओ वेलोसिटी किधर लिखेंगे बेटा वर्टिकल और टी किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आपको कभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ आपको प्लॉट करना है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर ये ग्राफ प्लॉट करना है तो यहां से ए क्या हो गया बेटा डिपेंडेंट हो गया और टी बोलो यहां पर क्या हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो यहां से ए किधर लिखेंगे वर्टिकल और टी किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आपको कभी कहा जाए कि लेट अस सपोज ये कोई ग्राफ हमें प्लॉट करना है एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई दैट इज आपका दोनों वेरिएबल है, तो एक्स की वैल्यू यहां पर किस पर डिपेंड कर रही है बेटा y पर डिपेंड कर रही, तो x बोलो यहां पर क्या हो गया डिपेंडेंट हो गया और y यहां पर क्या हो गया इनडिपेंडेंट अपना से वेरिएबल हो गया, तो बेटा x किधर लिखेंगे वर्टिकल और y किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तभी ग्राफ अपना से प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको कोई ग्राफ प्लॉट करना है कि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा देखें हाफ एम कॉन्स्टेंट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन हो गया वेलोसिटी का फंक्शन हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, हर इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया वेलोसिटी आप कौन सी, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है एक्स पर डिपेंड कर रही है पोजीशन पर डिपेंड करेगी, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ किधर लिखेंगे वर्टिकल और एक्स बोलो किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मतलब ये कि आपको बेसिक्स का पूरा आइडिया होना चाहिए, बेसिक्स आपका से बहुत अच्छे समझ आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम और भी थोड़ा सा इतना बताइए पूरा समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं, तो आपने क्या सीखा भी कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में चाहे वो फिजिक्स की बात हो केमिस्ट्री की बात हो मैथ्स की बात हो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जब भी हमें बेसिक ग्राफ की जब बात करेंगे तो डिपेंडेंट किधर बेटा वर्टिकल और इनडिपेंडेंट किधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, क्लियर हो गया। चलिए अब हम और थोड़ा सा एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं ये कहूं कि फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू कोई साइन या कॉस का फंक्शन है, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, y इक्वल टू साइन का फंक्शन दिया हुआ है x का फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू आपसे कहा जाए साइन थीटा, ध्यान सुनना y इक्वल टू बेटा साइन थीटा, ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो बताइए यहां से y की जो वैल्यू है वो पूरा साइन थीटा है, तो बेटा y क्या हुआ डिपेंडेंट हो गया और y मतलब क्या साइन थीटा, लेकिन थीटा इसमें क्या हो गया इनडिपेंडेंट है और y क्या हुआ डिपेंडेंट, साइन थीटा क्या साइन थीटा ही तो पूरा y है, तो y बोलो क्या हुआ डिपेंडेंट, y क्या हो गया डिपेंडेंट, y मतलब कितना y इक्वल टू साइन थीटा ये डिपेंडेंट हो गया और थीटा बताओ क्या हो गया इनडिपेंडेंट, तब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें y क्या है बेटा y मतलब डिपेंडेंट, y मींस पूरा साइन का फंक्शन है पूरा साइन थीटा, तो y क्या होगा डिपेंडेंट, y मतलब साइन थीटा डिपेंडेंट और थीटा क्या होगा इनडिपेंडेंट, क्योंकि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे आपका साइन थीटा भी क्या होगा चेंज होगा, है ना, साइन थीटा चेंज होगा मतलब y चेंज होगा, तो y इक्वल टू साइन थीटा ये डिपेंडेंट हो गया और थीटा क्या हो गया बेटा इनडिपेंडेंट हो गया, क्लियर हो गया। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं डिपेंडेंट क्या होता है और इनडिपेंडेंट क्या होता है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्लोप की बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज अपना से कंसेप्ट ऑफ स्लोप, कंसेप्ट ऑफ स्लोप इसको हम एम से सिंबलाइज करते हैं। अब स्लोप मींस क्या होता है, स्लोप मींस होता है हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं स्लोप मींस होता है बेटा ढलान, ठीक है ना, स्लोप मींस ढलान। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसको जरा समझने की कोशिश करिए, लेट सपोज दिस इज अपना से वाई कोऑर्डिनेट इज दिस
ये बेटा वाई कोऑर्डिनेट इज दिस और इसको हमने यहां से लिया एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस। आप यहां पर खड़े हुए, आप बताइए किस तरह पे कर रहे हैं, ऑब्जर्वर को रूम पे कर रहे हैं। इक्वल टू जीरो पर आपने किसी पार्टिकल को इस पॉइंट पर ऑब्जर्व किया था, इक्वल टू जीरो पर ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट बेटा कितने हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ये हो गए। इसका मीनिंग हुआ कि ओरिजिन से, ध्यान से सुनना, ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस बोलो कितनी होगी एक्स वन और ये वाली डिस्टेंस कितनी वाई वन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन कॉमा वाई वन हो गए। आफ्टर सम टाइम एक कोई दूसरा पॉइंट हमने लिया दैट इज अपर से बी और इसके कोऑर्डिनेट हमने यहां पर एज्यूम कर लिए एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इसका मतलब ये हुआ, बड़े ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना बेटा एक्स टू हो गया और ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया वाई टू, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू कॉमा वाई टू हो गए। अब आपने ए और बी इन दोनों पॉइंट्स को आपने यहां पर इस तरीके से मीट कर दिया, दिस इज आवर पास एबी स्ट्रेट लाइन, एबी स्ट्रेट लाइन। ये जो एबी स्ट्रेट लाइन है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, दिस इज आवर पास थीटा, यही तो हमें निकालना है। अब आप बताइए ये डिस्टेंस कितना बेटा x1, कंप्लीट कितना x2, तो ये कितना बचा फाइनल, मतलब x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी बेटा डेल्टा x, दिस इज आपके पास डेल्टा x। तो डेल्टा x का मतलब हो गया x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा मीन्स होता है बेटा चेंज, एक बिगर चेंज अगर आपके पास है तो वहां पर उसको सिंपल होता है डेल्टा, है ना, पूरे एबी स्पेसिफिक इंटरवल में, यही तो हमें निकालना है। तो डेल्टा एक्स कितना हुआ एक्स टू माइनस एक्स वन फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज आपका चेंज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग आपका लेंथ में चेंज डेल्टा एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये देखिए कितना हुआ बेटा वाई वन, तो बेटा ये भी वाई वन हुआ कंप्लीट, देखो यहां से वाई टू तो ये कितना बचा वाई टू माइनस वाई वन, तो इसको हम यहां पर बोलेंगे दिस इज आपका डेल्टा वाई, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका डेल्टा वाई हो गया और ये y2 तो पूरा हो गया, ये डेल्टा y हो गया। अब आप बताइए इस पूरे ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेटा बेस, तो परपेंडिकुलर बेस किसका रिलेशन होगा टेन थीटा, तो यही तो स्लोप यही तो थीटा हमें निकाल रहा है, तो यहां से m इक्वल टू ये हो गया टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू यहां से कितनी बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन यहां से हो गया बेटा x2 minus x1, that is आपका slope, तो slope means याद रखो tan theta, slope means tangent, that is perpendicular upon base। अब आप बताइए कि slope को समझने के बाद हम यही बात चलिए types की बात कर लेता हूं, types of आपका slope, slope जो है यहां पर हम दो types से categorize करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा average slope, ध्यान सुनना average slope, average slope। तो स्लोप के आगे देखिए टर्म यूज हुआ है एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है हम पूरे एक स्पेसिफिक एबी इंटरवल की एक बात करेंगे, पूरे होल इंटरवल की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसका सिंबल क्या होता है, तो इसको हम एम और ए बी मतलब एवरेज सफिक्स में बना दिया, या आपका एम और इस तरीके से हम एवरेज स्लोप आपका ऐसे भी डिफाइन करेंगे। तो चलिए मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि एवरेज स्लोप इक्वल टू, अभी हमने बताया एवरेज का मतलब क्या हुआ, पूरे स्पेसिफिक एबी इंटरवल की बात करेंगे, तो बेटा पूरे होल एबी इंटरवल में टोटल परपेंडिकुलर कितना डेल्टा वाई और टोटल बेस कितना हुआ डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्लोप आपका जो है वो टेन थीटा, जो आपने ऊपर जो बात लिखी हुई वही तो बात आपका से रिपीट हो रही, तो एवरेज स्लोप टेन थीटा कितना हुआ डेल्टा वाई अपॉन कितना बेटा डेल्टा एक्स, ये एवरेज स्लोप हो गया पूरे होल स्पेसिफिक एबी इंटरवल में बात कर लिया। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप, इंस्टेंटेनियस स्लोप। अब बड़े ध्यान से देखो, अब इंस्टेंटेनियस का अगर मीनिंग समझने की कोशिश करिए, फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पर दो टाइम ले रहा हूं एक टी इक्वल टू जीरो और एक टाइम ले रहा हूं बेटा टी टेंड्स टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब तो टाइम कितना बेटा जीरो, टाइम आपका जीरो मतलब कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन टाइम टेंड्स टू जीरो का मतलब यह है कि टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, टाइम इज जीरो नहीं है बस जीरो के नियर अमाउंट है, इट इज जस्ट अपॉन से जस्ट अमाउंट टू नियर अमाउंट टू जीरो, बस जीरो होने वाला है, टाइम जीरो नहीं है बस जीरो की अप्रोचिंग में है, जीरो की नियर अमाउंट है, तो इस टाइम को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल के तहत बात करें कि जैसे बेटा आप पलक झपकाते हैं, तो जब आपकी पलक झपकती है
तो ऐसा नहीं कि आपके पास उसमें आपके पास एक दो मिनट का टाइम लगता हो, एक दो घंटे का टाइम लगता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो पलक झपकना मतलब इन दोनों में कौन सा टाइम हुआ? ये वाला टाइम हुआ T-0। तो पलक का झपकना जैसे आप छींकते हैं, छींक आती है आपको, तो ऐसा नहीं है कि अपना से आधी अपना से 50% छींक लिया उसके बाद हम अपना से आगे छींके अपना से छींकेंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको कौन सा फिनोमेना है? इंस्टेंटेनियस फिनोमेना, मतलब T-0 कितना? जीरो, दैट इज कॉल्ड अपना इंस्टेंट, मतलब एक पर्टिकुलर मोमेंट पर बात करेंगे, ठीक है ना। पलक झपकते ही वो फिनोमेना हो गया, दैट इज अपना T-0, दैट इज कॉल्ड अपना इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक है ना। ये इंस्टेंटेनियस टाइम की बात करेंगे। तो आप बताइए कि इस पूरे एबी इंटरवल में कितने पॉइंट आपके पास मे बी पॉसिबल? हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आपके पास मे बी पॉसिबल। उनमें से कोई एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पर हमने बात किया, तो यहां पर बताइए कौन सा स्लोप की बात करेंगे बेटा? इंस्टेंटेनियस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो कौन सा स्लोप होगा? इंस्टेंटेनियस। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इसी पॉइंट पर बात करें तो वो कौन सा स्लोप होगा? इंस्टेंटेनियस स्लोप। और पूरे इंटरवल की बात करें, एक स्पेसिफिक एवी इंटरवल की बात करें, तो वहां पर कौन सा स्लोप होगा बेटा? एवरेज स्लोप। कौन सा स्लोप? एवरेज स्लोप। तो आप किसी इंस्टेंट पर बात करें तो आप एक बात बताइए कि एक्चुअली क्या होता है कि स्लोप मींस होता है दिस अपर्स, इट शुड मेजर द रेट। ये रेट मेजरमेंट करता है, मतलब यहां से जैसे आपने यहां पर देखिए क्या चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई कितना चेंज हुआ, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल्टा वाई कितना? जैसे जैसे देखे इस लाइन को अगर यहां पर देखे तो आपका से डेल्टा वाई बढ़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल्टा एक्स तो नहीं है, डेल्टा एक्स का रिस्पेक्ट में जैसे जैसे ये वैल्यू आपका सी पॉइंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा वाई भी बढ़ता जाएगा, मतलब ये आपका एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब स्लोप की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब स्लोप आपका इट शुड मेजर द रेट, कितना डेल्टा वाई कितना चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप याद रखिए कि एवरेज स्लोप का मतलब इट शुड मेजर द एवरेज रेट। ये एवरेज रेट मेजरमेंट करता है, कौन सा चेंज हो रहा है बेटा? डेल्टा वाई, किसके रिस्पेक्ट में? डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसी अगर इंस्टेंट पर बात करें तो किसी इंस्टेंट पर बात करने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एन इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, आपने यहां से लिमिट लगाया, लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू कितना? जीरो। और ये कितना बेटा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसका जो मैथमेटिकली सोल्यूशन होगा वो होगा बेटा डीवाई अपॉन डीएक्स। डीवाई अपॉन डीएक्स का मतलब दिस इज नॉट आपका डीवाई डिवाइडेड बाई डीएक्स, ये डीवाई डीएक्स ऑफ वाई, मतलब डीवाई का मतलब होगा कि बहुत ही डिफरेंशियल चेंज हो रहा है वाई एक्सिस में, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं डीवाई डीएक्स ऑफ वाई, डीवाई डीएक्स ऑफ वाई का मतलब वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आपका यह हो गया, इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्लोप। और आगे चल के यही बताएंगे इट इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, यही तो डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब कौन सा स्लोप बेटा? इंस्टेंटेनियस स्लोप। याद रखिए आगे चल के आपको बताया जाएगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब यही से आपको दोबारा रिलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस जो स्लोप है वही क्या है बेटा? डिफरेंशिएशन है, दैट इज आपका dy/dx ऑफ y, मतलब यहां पर y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये कौन सा स्लोप हो गया? इंस्टेंटेनियस स्लोप। पहले आप इन दोनों को इतना समझिए, आगे यही चीज होल फिजिक्स में आपका से रिलेट करेंगे, पूरी की पूरी फिजिक्स में आपका से रिलेट होगी। ध्यान से समझिए पहले इसको, अब उसके बाद देखें, ध्यान से देखें, अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अगर कभी भी कोई ग्राफ है, किसी ग्राफ को हमें प्लॉट करना है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर हमें किसी ग्राफ को प्लॉट करना है, इसको हटा देते हैं, अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है दिस,
इसका तो कोई ढलान नहीं है, थीटा कितना बेटा जीरो डिग्री, तो टेन जीरो कितना जीरो, तो यहां पर बताइए स्लोप कितना होगा इसका जीरो, इसका स्लोप यहां पर कितना जीरो। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ऐसे जा रही है तो आप बताइए किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा की वैल्यू तो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। अगर थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो टेन थीटा भी कांस्टेंट हो गया, मतलब यहां पर अगर ग्राफ इस तरीके से कोई लाइन अगर प्लॉट कर रहे हैं तो स्लोप यहां पर बेटा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब फिक्स वैल्यू होगी। अगर कभी कोई ग्राफ इस तरीके से ऐसा प्लॉट कर लिया है ध्यान से, तो आप बताओ किसी भी इंस्टेंट में बात करें तो स्लोप इंस्टेंटेनियस स्लोप मीन्स क्या होता है बेटा, टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट। ध्यान से सुनना, इसको आप डिटेल में अपना से बता रहे हैं। तो अगर इस इंस्टेंट में बात करें, देखिए टेंजेंट आपने ड्रॉ किया तो टेन जीरो कितना जीरो, मतलब इस पॉइंट पर स्लोप जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो आप यहां पर टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, ये हो गया, बताओ इस इंस्टेंट पर स्लोप ये थीटा की वैल्यू होगी। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो देखिए हमने टेंजेंट आपने ड्रॉ किया बेटा दिस वन, अब देखिए थीटा की वैल्यू आपका सी हो गई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर बात करें तो टेंजेंट आपने यहां से इस तरीके से ड्रॉ किया, देखिए आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू होगी। मतलब आप देखिए ऑब्जर्व करिए कि जैसे जैसे आगे इतना बढ़ रहे थीटा की वैल्यू क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है, और थीटा इंक्रीज होगा तो टेन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब यहां पर स्लोप बताओ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्लोप क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर कभी कोई ग्राफ ऐसा सिचुएशन ऐसा है, आप जरा ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो देखो आपको टेंजेंट ये हो गया, थीटा की वैल्यू होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो देखिए हॉरिजॉन्टल से थीटा ही हो गया। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बात करें तो थीटा कितना हो जीरो, मतलब यहां से जैसे जैसे इधर की तरफ देखिए थीटा की वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज, और थीटा डिक्रीज करेगा तो टेन थीटा भी क्या करेगा बेटा, डिक्रीज, मतलब स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज। तो स्लोप यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। एक बार फिर से देखिए यहां पर देखिए बेटा स्लोप कितना जीरो, ये स्लोप कैसा हो गया, कांस्टेंट। और अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज, और ग्राफ ऐसा है तो स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मैं ओवरऑल अगर मैं जनरल बात करूं, देखिए एक बार फिर से बताइए स्लोप यहां पर बेटा कितना जीरो, ठीक है ना। अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप की वैल्यू यहां पर क्या होगी, स्लोप की वैल्यू यहां पर बेटा क्या होगी, कांस्टेंट। अगर ग्राफ ऐसा है तो स्लोप यहां से बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और यहां से देखिए स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप यहां पर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर ग्राफ ऐसा है तो ये प्लस थीटा, ये कितना होगा, माइनस थीटा, तो स्लोप यहां पर बेटा कितना होगा, स्लोप की वैल्यू होगी टेन माइनस थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। तो नेगेटिव में क्या होगा बेटा, कॉन्स्टेंट होगा, ये भी माइनस टेन थीटा, मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, कॉन्स्टेंट, नेगेटिव में कॉन्स्टेंट, ये कौन सा, पॉजिटिव में कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना, आप देखिए। उसके बाद अब हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और बेसिक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं स्लोप का, देखना। अभी हमने बताया जैसे स्लोप मीन्स होता है बेटा टेंजेंट, टेन थीटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं, थोड़ा सा और समझ लीजिए, दिस इज अपना से वाई और ये अपना से बेटा एक्स हो गया, ठीक है ना। ये कोई हमारा कोई ग्राफ है, हमने एक जनरल ले लिया, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, देखो वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमें किसी पॉइंट पर हमें स्लोप देखना है तो यहां पर इस पॉइंट पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। तो आपने यहां से देखिए बेटा टेंजेंट आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये टेंजेंट आपने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, थीटा। तो इसका जो इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा इस इंस्टेंट पर, इंस्टेंटेनियस स्लोप बताओ कितना होगा, टेन थीटा, और इसकी वैल्यू आप से बताओ कितनी होगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज नॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज डी वाई डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स ऑफ वाई। तो इंस्टेंटेनियस स्लोप यहां पर हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा जनरल बात करें, देखो थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें प्लीज, अगर मैं यहीं पर बात इस तरीके से करूं कि दिस इज वाई कोऑर्डिनेट इज दिस और एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, ध्यान से सुनना, ये देखिए कोई ग्राफ है। अब इस ग्राफ में लेट अस सपोज ये भी वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, इसमें दो पॉइंट्स हमने लिए, एक ए और दूसरा बेटा बी। अगर मैं इस पूरे तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वन कॉमा वाई वन, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने बेटा, एक्स टू कॉमा वाई टू। अब आप बताइए फिर आपके पास वही बात रिपीट हो रही है। अगर मैं इस ए और बी पॉइंट्स को देखिए मीट कर दूं, इस ए और बी पॉइंट्स को देखो आपस में मीट कर दूं, दिस वन
ए और बी पॉइंट्स को हमने मीट कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाएगा, ये ए बी इंटरवल में ये कितना हुआ बेटा डेल्टा वाई, और ये कितना हुआ डेल्टा एक्स। तो अब आप बताइए ये तो कौन सा स्लोप होगा, एवरेज स्लोप, और ये कौन सा होगा बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप। तो एवरेज स्लोप कितना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होगा बोलो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना है। अगर कभी भी थोड़ा सा और देख लेते चलिए, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स में अगर आपसे कहा जाए, मान लो ये कोई ग्राफ, अब इस ग्राफ में जरा बताइए किसी इंस्टेंट पर अगर बात करें तो यहां पर देखिए बार बार कौन सी वैल्यू, अगर मैं कहें कि मान लो ये डेल्टा एक्स इसकी ये डेल्टा वाई हो गया, और उसके बाद आप पास देखिए अगर मैं इसके और इसके बीच बात करूं तो यहां पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हो गया। देखो अगर हम जैसे जैसे डेल्टा एक्स फिक्स कर दिया तो बार बार इस डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, मतलब स्लोप क्या करेगा इंक्रीज होगा, ठीक है ना, स्लोप क्या करेगा इंक्रीज। तो अगर अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तो स्लोप क्या करेगा इंक्रीज, और ग्राफ ऐसा दिया है तो स्लोप क्या करेगा डिक्रीज, और ग्राफ बेटा ऐसा है तो स्लोप बताओ कैसा होगा कॉन्स्टेंट, और ग्राफ अगर ऐसा है तो स्लोप की वैल्यू कितनी जीरो, बस आपको इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देखो फॉर एग्जाम्पल, अब देखा फिजिक्स में कैसे इसको रिलेट करेंगे उसको जरा समझने की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने बताया आपको बेटा कि y इज ए फंक्शन ऑफ x है, ये आपका y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो y कौन सा वेरिएबल होगा बेटा डिपेंडेंट, तो वर्टिकल, और x बोला हॉरिजॉन्टल, कोई हमने कोई ग्राफ प्लॉट किया, तो बताइए इसमें एवरेज स्लोप कितना, एक जनरल बात कर रहा हूं, एवरेज स्लोप आपका से tan थीटा कितना होगा बेटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, बताइए इंस्टेंटेनियस स्लोप आपका से कितना होगा, अगर इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करें तो tan थीटा कितना बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ आपका से y, ये होगा डी बाई डी एक्स ऑफ y। सेकेंड हम बात करें कि अगर कोई आपका से दे रखा है कोई ग्राफ x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये होगा कि किसी पार्टिकल की पोजिशन चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x बताइए कौन सा वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट, मतलब x यहां पर कौन सा वेरिएबल हो गया ये बेटा डिपेंडेंट हो गया, और t बोलो क्या हो गया इनडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो x इधर लिखेंगे वर्टिकल और t इधर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये आपने लिख लिया। अब इसे मान लो कोई भी ग्राफ आपका दे रखा है, कोई भी, अभी कोई ग्राफ की प्लॉटिंग नहीं करनी, कोई जनरल ग्राफ आपका से दे रखा है, तो इसमें बताइए एवरेज स्लोप कितना होगा, एवरेज स्लोप आपका से कितना tan थीटा, बताइए क्या होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब बताओ यहां पर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये है कि इतना तो आपने बेसिक 9th में पढ़ा होगा कि अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन अगर चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर किसी पार्टिकल का बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगी वेलोसिटी, इसका मतलब इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, ये ग्राफ हमें सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्म करेगा। तो बताओ बेटा एवरेज स्लोप tan थीटा कितना हुआ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, कौन सी वेलोसिटी हो गई, दिस इज कॉल्ड आपका एवरेज वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी हो गई एवरेज वेलोसिटी, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कहा जाए बेटा ध्यान से सुनना इंस्टेंटेनियस आपका स्लोप, तो इंस्टेंटेनियस स्लोप बोलो कितना हुआ tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt कौन सा वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो गया, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि कोई ग्राफ दे रखा है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो बताओ वेलोसिटी चेंज हो रही है किसके साथ बेटा टाइम के साथ, तो इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगा डिपेंडेंट, और टी क्या हो गया बेटा इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अभी हम कोई ग्राफ प्लॉट करें, अब इस ग्राफ में अब हमें जरा बताइए कि जो एवरेज स्लोप होगा वो एवरेज स्लोप आपका से कितना बेटा tan थीटा, कितना होगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, मतलब टी टू माइनस टी वन, और ये क्या हो गया v2 minus v1, तो बताओ ये एवरेज क्या हो गया, यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर किसी पार्टिकल में वेलोसिटी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, तो यहां पर बताइए कौन सा एक्सेलरेशन होगा एवरेज एक्सेलरेशन, तो यहां से बेटा यही तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन हो गया।
दिस इज द एवरेज एसोलेशन, ठीक है। तो एवरेज एसोलेशन, एवरेज स्लोप, अगर यहीं से कहा जाए कि बताइए इंस्टेंटेनियस स्लोप कितना होगा, तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्लोप tan थीटा कितना होगा, dB बाई dt, और जो dB बाई dt होगा वो कौन सा एसोलेशन होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस एसोलेशन के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये बात हम पूरे होल फिजिक्स में बात करेंगे कभी भी। अगर आपको ये दे रखा है, जैसे देखो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, मतलब किसी पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, इट टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी। तो जरा ध्यान सुनना, अगर आपका एक्स इज दिस और टाइम आपका ये है, आपसे पूछा जाए ग्राफ ये बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी कितना, जीरो। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजिशन में देखो बेटा कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्लोप कितना, जीरो। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वही तो बेटा टेन थीटा के इक्विवेलेंट होगा, ये देखो dx upon dt परपेंडिकुलर, डेल्टा x upon डेल्टा t, ये वाला हो गया ना, डेल्टा x upon डेल्टा t कौन सा, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस स्लोप tan थीटा कितना हुआ, dx upon dt कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्विवेलेंट हो गया। अब आप बताइए किसकी, बताइए वेलोसिटी कितना, जीरो, मतलब पार्टिकल तो रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूं कि t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल 5 मीटर की डिस्टेंस में, देखिए 5 मीटर या x नॉट ले लेते हैं, कितना x नॉट, तो देखिए टाइम कितना भी बढ़ा दे इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब पार्टिकल कैसा बेटा, रेस्ट पर, तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितना, जीरो हो गया। अगर कोई ग्राफ ऐसा है दिस वन, तो थीटा तो फिक्स हो गया, मतलब tan थीटा क्या हो गया, कांस्टेंट, और tan थीटा कांस्टेंट हो गया तो बताओ वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई। समझने की कोशिश करिए वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज, ये तो देखो वेलोसिटी क्या हो रही, इंक्रीज। अगर ग्राफ ऐसा है तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, बस ऐसे देख रहे हैं आपको। अब देखिए बेटा, जैसे आपसे कहा जाए कि मान लो ये प्रॉब्लम आपको से दे रखी है कि x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये कोई ग्राफ दे रखा है, जिसमें आपसे पूछा जाए कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, आपसे पूछा जाए फाइंड आपको से वेलोसिटी, बताओ वेलोसिटी कितना होगा, तो आपको डायरेक्ट ये स्ट्रेट लाइन, अब इसकी वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, स्लोप। देखिए हर इंस्टेंट पर बताओ थीटा फिक्स, अगर थीटा फिक्स है तो टेन थीटा भी क्या होगा, फिक्स। तो इसका जो स्लोप हुआ वो dx upon dt, और dx upon dt क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। तो बताओ वेलोसिटी किसके इक्विवेलेंट होगा, आ गया बस tan 45 आपका होगा, tan 45 कितना, 1। तो ये x किसमें, मीटर में, और ये टाइम किसमें बेटा, सेकंड में, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस, यही तो tan 45 हो गया है ना, तो यहां पर कितना हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी के हो गए। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अगर वेलोसिटी क्या होगी बेटा, कांस्टेंट हो गई, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, जीरो आ गया। एक्सेलरेशन कब डेवलप होगा, जब वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो आ गया तो फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जीरो। अगर फोर्स जीरो आ गया तो वर्क डन बताओ कितना होगा बेटा, जीरो। ये तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि अगर किसी पार्टिकल की, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो हमेशा कैसा रहेगा, रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता ही रहेगा, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पर बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना, जीरो, फोर्स कितना, जीरो, वर्क डन कितना, जीरो। और अगर वर्क डन जीरो है तो पावर की वैल्यू यहां से बताओ कितनी होगी, पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, तो पावर की इक्वल टू कितना, डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू कितना, जीरो, और जीरो अपॉन समथिंग बताओ कितना, जीरो, तो पावर भी कितना होगा बेटा, जीरो। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ कितनी होगी, जीरो, क्योंकि आपका थ्योरम क्या होती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन, तो बताइए वर्क डन कितना, जीरो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कितना, जीरो। और चेंज कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू कितना, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल टू कितना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे ये एक एग्जांपल है, मेडिकल में नीट में आया हुआ है, देखो कैसे यही प्रॉब्लम है, सेम एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसमें दो ग्राफ ऐसे दे रखे हैं, देखो एक ओए और ओबी ग्राफ दे रखा है, ओए और ओबी ग्राफ, ये एंगल कितना 30 डिग्री, ये एंगल कितना 60 डिग्री,
OA ग्राफ, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो आपसे इसमें कुछ नहीं पूछा गया, बस सिंपल v1 / v2 रेशियो बताओ कितना होगा, v1 v2 का रेशियो कितना होगा, तो यही तो कांसेप्ट है पूरा। इस OA ग्राफ की जो वेलोसिटी होगी बताओ v1 किसके इक्विवेलेंट होगा 1030 और v2 किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा 1060, बस हो गया। इसमें क्या दिक्कत है कि v1 इक्वल टू आपका से कितना 1030 और v2 यहां से बेटा कितना होगा 1060 के इक्विवेलेंट हो गया, तो यहां से v1 / v2 की वैल्यू यहां से बेटा कितनी आ गई, दिस इज आपका से 1030 / कितना 1060, 1030 कितना 1/√3/√3/1, तो फर्स्ट इनटू फोर्थ / सेकंड इनटू थर्ड, तो 1/√3/√3, तो कितना हो गया 1/3, मतलब b1 b2 का रेशियो आपका से कितना 1:3 दिया गया। क्या दिक्कत है इसमें, है ना, आसानी से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से चलिए एक बेसिक एक मोशन इन 1D का प्रॉब्लम कराता हूं। हालांकि अभी देखिए फिजिक्स हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम बेसिक लेवल पर बहुत ही स्लोप की बात कर रहे हैं कि भाई एवरेज स्लोप क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होता है, है ना, मैथमेटिकल टूल्स के तो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर आपको यहां पर मैं एक प्रॉब्लम की बात करूं कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ आपको से कोई दिया हुआ है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान से देखना बेटा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मान लो यहां पर ये दिया हुआ है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, और इधर आपका से बेटा टाइम एक्सिस, ठीक है ना, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसी ग्राफ की पोजीशन हमें यहां से इस तरीके से लेंगे, ठीक है ना, ये ओ ए, इसको हमने बी पॉइंट मार्क कर लिया, ए सी डी और ये E और ये पॉइंट हमने एफ ले लिया, ठीक है। यहां पर चलिए वेलोसिटी हमने ले ली बेटा 20 मीटर पर सेकंड प्लस, और इधर यहां पर ले लो -20 मीटर पर सेकंड, इधर आपने टाइम ले लिया 10 सेकंड, इधर लेटेस्ट सपोज आपने 20 सेकंड, इधर 30 सेकंड, इधर आपने यहां से 40 सेकंड ले लो, इधर आपका से बेटा 50 सेकंड आपका से ले लो, इधर बताइए 60 सेकंड, मतलब यहां पर पार्टिकल का 60 सेकंड के लिए मोशन हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इस ग्राफ में आपको कुछ नहीं करना है, आपका डिस्टेंस द ग्राफ, ठीक है ना, या आपसे पूछा जाए फाइंड आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में हमें किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब बड़े ध्यान से देखिए बेटा प्लीज, इधर देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब इट टेल्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन, और अगर किसी पार्टिकल का मास गिवन है तो हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी इंस्टेंट पर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन अभी हमने बताया था वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो एवरेज स्लोप कितना डेल्टा वी / डेल्टा टी, कौन सा एक्सेलरेशन बेटा एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस स्लोप टेन थीटा कितना डीवी / डीटी, और डीवी / डीटी कौन सा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आप जरा बताइए इस ओए ग्राफ में, ऐसे ही रफली देख लेता हूं, देखो समझ में आ जाएगी, इस ओए ग्राफ में बताइए कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा 10 थीटा, ये आ गए एक्सेलरेशन 10 थीटा। अब बताइए ओए ग्राफ फिक्स है, मतलब स्लोप कैसा कांस्टेंट, थीटा की वैल्यू अपना से हमें नहीं मालूम, तो 10 थीटा इस पूरे ओए इंटरवल में बताइए टोटल परपेंडिकुलर कितना 20 और बेस कितना होगा 10, तो 20/10 कितना 2, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका से कितना 0 से 10 सेकंड के बीच अगर बात करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका से बताओ कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, कैसे परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा 20, मतलब 10 थीटा यहां से हो गया 20/10 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका से एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें खास बात यह है कि किसी भी इंस्टेंट पर थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो 10 थीटा भी फिक्स हो गया, मतलब एक्सेलरेशन भी फिक्स हो गया, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, कैसा बेटा दिस इज अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इस ग्राफ में जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वही क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 0 से 10 सेकंड के बीच किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपसे पूछा जाए बोलो 9 सेकंड पर एक्सेलरेशन कितना होगा तो आंसर बताओ कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपसे पूछा जाए बताओ 7.7 सेकंड पर एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा तो आंसर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इस ग्राफ में बताओ बेटा
ये आपका 10 से 20 सेकंड के बीच, 10 से 20 सेकंड के बीच बताइए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, स्लोप कितना बेटा जीरो, तो स्लोप जीरो है मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा जीरो, एक्सेलरेशन कितना जीरो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। देखो ए पॉइंट पे भी कितनी 20 मीटर पर सेकंड और बी पॉइंट पे भी कितनी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना जीरो, मतलब स्लोप कितना जीरो, तो देखो स्लोप जीरो हो गया ठीक है। उसके बाद देखिए डीसी ग्राफ में, अब बताओ ये पॉजिटिव में कांस्टेंट नेगेटिव में कांस्टेंट, तो नेगेटिव में कांस्टेंट, देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कांस्टेंटली, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो अगर मैं यहां से 20 से 30 सेकंड के बीच बात करें, 30 सेकंड के बीच बात करें तो एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा माइनस 10 थीटा, तो बेटा माइनस 10 थीटा तो परपेंडिकुलर कितना 20 और बेस कितना 10, तो बताइए यहां से कितना होगा माइनस 20 बाई 10 मतलब माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। मतलब ये कि 20 सेकंड से 30 सेकंड के बीच किसी भी इंस्टेंट पर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर बेटा कितना होगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करंट होगा। अब देखो सीरीज इंटरवल की बात करें, मतलब 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच बात करें, तो यहां से देखो 30 से 40 सेकंड के बीच अगर बात करें तो बेटा आपके पास ए4 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी माइनस 10 थीटा, तो बताओ यहां से माइनस परपेंडिकुलर कितना अगेन ये 20 हो गया और ए10 तो कितना हो गया माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। मतलब यहां से 20 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड के बीच देखिए थीटा फिक्स है, तो अब वेलोसिटी क्या हो रही है लगातार डिक्रीज कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में कांस्टेंट, कितना बेटा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। आपसे पूछा गया बताओ 39 सेकंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा, तब भी आंसर कितना होगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद डीई इंटरवल की बात करें तो बेटा इस डीई इंटरवल में देखो वेलोसिटी कितनी माइनस 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं, मतलब स्लोप कितना जीरो, एक्सेलरेशन कितना जीरो, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो होगा ठीक है। अगर मैं हंसी 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच अगर बात करें तो बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका सेम a5 आपका से कितना होगा जीरो, a5 जीरो, यहां पर कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। उसके बाद ef इंटरवल की बात करें तो बताओ थीटा कैसा है फिक्स्ड, पॉजिटिव में नेगेटिव में पॉजिटिव में, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा फिक्स्ड कांस्टेंट होगा, तो बताओ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है माइनस 20 से जीरो पहुंच रही, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा पॉजिटिव में कांस्टेंट नेगेटिव में कांस्टेंट, पॉजिटिव में कांस्टेंट, अगेन देखो परपेंडिकुलर कितना 20 और बेस कितना होगा 10, तो 20 बाई 10 कितना 2, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां से जो एवरेज होगा वही क्या होगा बेटा इंस्टेंटेनियस, मतलब इस 0 से 10 सेकंड के बीच किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आंसर कितना होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है ना, तो ध्यान रखिए कि स्लोप में हम यहां से जो एवरेज वही क्या होगा बेटा इंस्टेंटेनियस होगा, अगर थीटा की वैल्यू क्या है फिक्स्ड है कांस्टेंट है तो 10 थीटा भी कांस्टेंट होगा ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू। तो ये पॉइंट आपका समझने के बाद अगर हम आपसे कहें कि मान लो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ कि W वर्क डन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और यहां से देखो थीटा 45 डिग्री, आपसे पूछा जाए कि भैया ये ग्राफ दे रखा है W एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वर्क डन चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में, तो बताओ टेल्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पावर, आपसे पूछा जाए बताओ पावर की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो पावर पी आपके पास पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन, पी इक्वल टू क्या होता है बेटा W अपॉन T, ध्यान सुनना W अपॉन T परपेंडिकुलर अपॉन बेस, W को किस में ले लें जूल में और टाइम को किस में ले लें बेटा सेकंड में, तो बताओ यही तो 1045 हो गया बस, और 1045 कितना 1 जूल पर सेकंड, 1 जूल पर सेकंड आपका से किसके इक्विवेलेंट होगा 1 वाट के इक्विवेलेंट हो गया, मतलब यहां से पावर कितनी हो गई 1 वाट, पावर कितनी हो गई 1 वाट मतलब 1 जूल पर सेकंड, मतलब 8 सेकंड में 1 सेकंड में कितना वर्क होगा 1 जूल, That is called one watt. Clear? अब उसके बाद अब हम यहां पर जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चलो ध्यान से 12 वाले पोर्शन में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि कोई ग्राफ दे रखा है चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल क्यू और वी के बारे में, किसके बारे में बेटा Q और B के बारे में, ये कोई ग्राफ अगर मैं यहां से कहूं कि चार्ज अपना से Q प्रोपोर्शनल टू V, जैसे आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो 12th वाले बच्चे यहां पर देख रहे हैं तो वो समझ रहे होंगे
कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल भी क्या होगा, रेज होगा। तो बताओ क्यू प्रोपोर्शनल टू वी, तो ग्राफ कैसा हो गया बेटा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जरा ध्यान से सुनो कि देखो चार्ज आप पास से बिठाइए और यहां से पोटेंशियल आप पास से भी होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ये थीटा हो गया। तो इसका अगर हम स्लोप देखें तो क्यू प्रोपोर्शनल टू बी, क्यू प्रति क्या होता है, सी बी। यही तो कंसेप्ट है बेटा। सी क्या होता है, कैपेसिटी, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है। खैर ये आगे बढ़ाया जाए, हम आपसे कहें कि इसका बताओ स्लोप कितना होगा, तो बेटा इसका इंस्टेंटेनियस स्लोप जो होगा वो आप पास बताओ कितना होगा, टेन थीटा। और टेन थीटा कितना, क्यू बाई बी, कितना क्यू बाई बी। और क्यू बाई बी क्या होगा, देखो क्यू बाई बी क्या होगा, सी। मतलब जो इसकी कैपेसिटी होगी किसके इक्विवेलेंट होगी, टेन थीटा बस, क्योंकि टेन थीटा कितना, क्यू बाई बी। और क्यू बाई बी क्या होगा, सी। तो इसकी बेटा कैपेसिटी किसके इक्विवेलेंट होगा, टेन थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी भी ऐसा कहा जाए कि मान लो यहां से ये चार्ज क्यू और पोटेंशियल भी, ये ग्राफ आपका दे रखते हो, देखो दिस, ये एंगल कितना थीटा वन, ये कितना थीटा टू, ये कितना थीटा वन, थीटा थ्री। तो यहां सबको ए बी सी, इसकी कैपेसिटी कितनी, सी वन, इसका सी टू, इसका सी थ्री। तो अब बताओ इसकी, हमें ये मालूम है सी किसकी इक्विवेलेंट होगा, टेन थीटा। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, सी का, ठीक है ना। थर्ड वाली इसको वन टू थ्री नाम दे दो, इसको हमने वन टू और ये थ्री नाम दे दो। तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा थ्री इज ग्रेटर देन थीटा टू इज ग्रेटर देन कितना, थीटा वन। तो बताओ यहां से टेन थीटा थ्री इज ग्रेटर देन कितना, टेन थीटा टू इज ग्रेटर देन कितना, टेन थीटा वन। तो हम कह सकते हैं सी थ्री इज ग्रेटर देन सी टू इज ग्रेटर देन कितना, सी वन। ये हो गया, बड़े आसानी से हम लोग आप से बात कर सकते हैं। क्लियर है, कोई समझ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखें, अब आगे देखें उसके बाद, अगर कभी भी जैसे कोई चार्ज, चार्ज और टाइम के बीच कोई ग्राफ आप पास दे रखा है, तो बताओ इसका टेन थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, टेन थीटा होगा क्यू ओपन टी, क्यू ओपन टी क्या होगा, आई। मतलब करंट किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, टेन थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। मतलब आई ओपन टी यहां से कितना होगा, टेन थीटा के इक्विवेलेंट हो गया। तो आपको स्लोप का बहुत ही अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, एवरेज की बात कब करेंगे, इंस्टेंटेनियस की बात कब करेंगे, है ना। इंस्टेंटेनियस की बात हम कहां पर करते हैं, एक इंस्टेंट पर करते हैं। और एवरेज की बात हम कहां पर करते हैं बेटा, दिस इज स्पेसिफाइड ओवरऑल ए होल इंटरवल। किसी इंटरवल की अगर बात करनी है तो वहां पर एवरेज, किसी इंस्टेंट पर बात करें तो वहां पर किसकी बात करेंगे, किसी इंस्टेंट पर बात करें तो इंस्टेंटेनियस स्लोप की बात करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब यहीं पर मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर रहा हूं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी में बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ग्राफ के आगे बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो होती है बेटा y इक्वल टू, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ध्यान से सुनो, दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जहां पर y कौन सा वेरिएबल, y देखिए, m क्या है बेटा, स्लोप, और c क्या है, कांस्टेंट, दिस इज द कांस्टेंट। अब m हमने कहा यहां पर m इक्वल टू आपका हो गया बेटा स्लोप, ठीक है ना। और c बताइए क्या होगा, दिस इज द इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। ये तो कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट हो गया या नेगेटिव है जो भी है, c इंटरसेप्ट अलोंग y एक्सिस, और एम क्या हो गया, स्लोप। ये दोनों, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप मींस टेन थीटा। लेकिन वाई की वैल्यू यहां पर किस पर डिपेंड कर रही है, एक्स पर डिपेंड कर रही है। तो वाई कौन सा वेरिएबल होगा बेटा, डिपेंडेंट, और एक्स बोलो कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ध्यान सुनना। अगर इसमें इफ आपका सी इक्वल टू मैं जीरो ले रहा हूं, मतलब वाई एक्सिस के अलावा कोई इंटरसेप्ट हमें कट नहीं करना है, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बेटा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। और n की वैल्यू यहां से हमने ले ली वन,
और m जैसे ही 1 ले लिया तो tan थीटा कितना होगा 1, तो थीटा कितना बेटा बोलो 45 डिग्री, मतलब यहां से y इक्वल टू बोलो कितना होगा x, ये हो गया y इक्वल टू कितना होगा x, जनरली आपने देखा होगा जैसे आपसे कहा गया y इक्वल टू mx, तो y अपना से बेटा ये हो गया x, ये हो गया देखो स्ट्रेट लाइन, तो इसका पूछा गया tan थीटा, तो tan थीटा कितना होगा y इक्वल x, और tan थीटा ये तो m होता है तो m इक्वल टू कितना y इक्वल x, तो y इक्वल टू कितना होगा mx, यही जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, है ना। अब आपका इंटरसेप्ट मतलब इस ग्राफ को हमें ऊपर नीचे कितना ले जाना है, तो वो इंटरसेप्ट वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर y को x का ग्राफ प्लॉट करना है तो बेटा बताओ कुछ नहीं करना है, दिस इज अपॉन से डिपेंडेंट और ये क्या हो गया इंडिपेंडेंट। अगर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो बताइए y कितना मिलेगा 0, 0 कॉमन 0 ये पॉइंट यहां होगा। x इक्वल टू 1 हमें पुट अप करना है तो y कितना होगा 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 1, मतलब ये पॉइंट यहां है। x इक्वल टू 2 तो y कितना होगा 2, ये पॉइंट यहां आ गया। x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 3, ये सारे पॉइंट्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते जाएंगे। अब x पॉजिटिव x नेगेटिव भी तो हो सकता है, अगर x इक्वल टू -1 तो y कितना बेटा -1, तो -1, बोलो ये पॉइंट यहां आ गया। x इक्वल टू -2 तो y कितना बेटा -2, देखो यहां से पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। x इक्वल टू -3 तो y कितना -3, इन सारे पॉइंट्स को अगर मीट कर दें, इन सारे पॉइंट्स को आपका से मीट कर दें, यही ग्राफ किसका हो गया स्ट्रेट लाइन। अब बताओ n की वैल्यू कितनी 1, तो tan थीटा 1 हो गया, तो थीटा कितना 45 डिग्री, ये थीटा 45 डिग्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x, याद रखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। याद रखो m क्या है, तो m क्या है स्लोप, और स्लोप यही क्या होता है दैट इज हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ध्यान से सुनना कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बेटा याद रखो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी लिखा हुआ है वही क्या होगा बेटा स्लोप, जैसे y इक्वल टू x में बताओ x के साथ क्या लिखा हुआ 1, तो स्लोप कितना होगा 1, अगर आपसे कहा जाए तो y इक्वल टू 2x बताइए स्लोप कितना 2, y इक्वल टू आपसे बोला जाए 4x बताइए स्लोप कितना होगा 4, तो स्लोप मींस होता है tan थीटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई वही क्या होगा बेटा स्लोप होगा, ये ध्यान रखिए। अब उसके बाद ये हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ ली, अब उसके बाद जरा देखिए बेटा अगर कभी भी आपको ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ प्लॉट करना है, बड़े ध्यान से देखना है y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ हमें यहां पर प्लॉट करना है, देखो अगर आपको ये प्लॉट करना है फर्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है y इक्वल टू x प्लस 1, तो आप कंपेयर कर दिया y इक्वल टू कितना mx प्लस c, तो बेटा x के साथ m की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 1, मतलब यहां से थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, और c बताओ कितना होगा प्लस 1, मतलब हमें ये ग्राफ प्लॉट करना है, बड़े ध्यान से देखना इस ग्राफ को, देखो कैसे प्लॉट करते हैं y इक्वल टू x प्लस 1 में दिस इज y और ये बेटा क्या हो गया x, तो सबसे पहले y इक्वल टू x ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो आपने यहां से क्या किया y इक्वल टू आपने यहां से देखिए x आपने इस तरीके से प्लॉट कर लिया, ये y इक्वल टू x हो गया, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। लेकिन हमें प्लॉट करना है y इक्वल टू x प्लस 1, तो आप ऐसा विजुलाइज करिए कि हमने इस ग्राफ को ऐसे पकड़ा, विजुलाइज करिए कि ऐसे पकड़ा और इसको हमने पूरे ग्राफ को पकड़ के 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो बताइए 1 यूनिट जैसे पूरे ग्राफ को हमने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया इसकी पोजीशन बेटा ये होगी, तो ये ग्राफ इसका हो गया y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ ये हो गया, क्लियर। अब आप बताइए कि यहां से कितना इंटरसेप्ट c, कितना अगर आपसे कहा जाए c की वैल्यू बताओ कितनी प्लस 1, तो c यही तो इंटरसेप्ट प्लस 1 आपने शिफ्ट किया ऊपर की तरफ पूरे ग्राफ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेटा कितने हो गए 0 1 ये हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ कितने होंगे -1, 0, अब बताओ ये एंगल कितना होगा 45, देखो ये कितना 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो ये भी थीटा कितना होगा 45 डिग्री, नहीं तो देख लो बताइए ये 1 आपस लिखा हुआ है यही तो स्लोप हो गया, ये क्या हो गया स्लोप, तो स्लोप 1 मतलब थीटा कितना 45 डिग्री। अगर आपको इसी में प्लॉट करना है y = x - 1, अब ध्यान से
y इक्वल टू x माइनस 1, बताओ y इक्वल टू x को पकड़ा, अगर प्लस 1 है तो किधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 1 ऊपर, माइनस 1 है तो बेटा हम नीचे की तरफ हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब इस ग्राफ को पूरे ग्राफ को ऐसा विजुलाइज किए हमने इसको पकड़ा और 1 यूनिट हमने नीचे की तरफ आपको शिफ्ट कर दिया, तो बताओ c की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1, माइनस 1 मतलब इस पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 0, माइनस 1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 1, 0, अभी बताओ ये थीटा कितना होगा, 45 डिग्री है, ये एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा, मतलब ये 1, ये भी कितना, 1, तो y इक्वल टू अपना से कितना होगा, x माइनस 1 का ग्राफ ये हो गया, क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आया, तो अगर कभी भी कहा जाए जैसे y इक्वल टू x प्लस 3, तो हम बताओ y इक्वल टू x को पकड़ के कितना ग्राफ ऊपर जाएंगे बेटा, 3 यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, अगर आपसे कहा जाए y इक्वल टू x माइनस 3, तो y इक्वल टू x को पकड़ के 3 यूनिट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 3 का ग्राफ हो जाएगा, इस तरीके से बड़े आसानी से हम प्लॉट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे आपसे कहा जाए और भी कि फिजिक्स का कोई ग्राफ है और फिजिक्स के ग्राफ में हमें प्लॉट करना है v इक्वल टू यू प्लस एटी ग्राफ प्लॉट करना है, अब बड़े ध्यान से देखना है, v इक्वल टू यू प्लस एटी आपको दिमाग चलाना स्टार्ट करो, फर्स्ट ग्राफ हमें प्लॉट करना है v इक्वल टू आप प्लस एटी ग्राफ प्लॉट करना है, मान लो v इक्वल टू एटी, तो v क्या हो गया, v प्लस एटी किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, एक्सेलरेशन क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, अब बताइए हमने यहां पर y इक्वल टू आप प्लस कितना है x, यही तो कंपेयर करना है, हमने अभी बताया कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा बेटा, स्लोप, बताइए स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, तो n कितना होगा, a एक्सेलरेशन के इक्विवेलेंट होगा, अरे होता ही भाई कि जब भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ दिया होता हो तो बताइए स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन, देखिए स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन, तो ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, वेलोसिटी डिपेंडेंट, t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गया, यही तो थीटा हो गया, ये ग्राफ हो गया v इक्वल टू कितना 80, अब बताओ इसका स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, जो स्लोप होगा tan थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन, मतलब जो tan थीटा होगा वो v / t और v / t किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन, कैसे भी देखो बात तो वही जाने वाला हूं, ठीक है ना, तो स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा, एक्सेलरेशन, अगर आपसे कहा जाए मान लो आपका एक ग्राफ प्लॉट करना है v इक्वल टू u + at, अब बताओ v क्या है, y इक्वल टू यहां से कितना होगा mx + c, तो अब आप बताइए कि इस ग्राफ को पकड़ के किधर शिफ्ट करेंगे, U आपका C मतलब कितना U ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब ये हो गया, मतलब यहां से ये थीटा ही हो गया इसका, तो ये ग्राफ C किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी U होगी बेटा, ठीक है ना, T इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी U, यहां पर T इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहां पर T इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना U, तो बेटा V इक्वल टू कितना, ये कितना होगा V इक्वल टू 80, ये कितना होगा V इक्वल टू U + 80, ग्राफ आपका C हो गया, आपसे कहा जाए v इक्वल टू यू माइनस एटी, ठीक है ना, यह आपका आपसे कहा जाए v इक्वल टू माइनस सी प्लस एटी, तो ग्राफ कितना जाएगा नीचे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट आपका से बताओ समझ में आ गया, v इक्वल टू 80, ये कितना v इक्वल टू यू प्लस 80, अगर कभी भी जैसे आपसे कहा जाए कि मान लो ये ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा रेजिस्टेंस 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RT इक्वल टू आर नॉट इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी को चलो टी लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो आपसे पूछा गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर के बीच आपका ग्राफ क्या होगा, ये जनरल फॉर्मूला है RT इक्वल टू आर नॉट इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, तो बेटा यहां से देखो RT इक्वल टू यहां से कितना होगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी आपका हो गया, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, तो ये क्या होगा डिपेंडेंट और टी क्या होगा इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट के साथ जो भी लिखा है वही तो स्कोप होगा, तो बताओ ये क्या हो गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस कितना c, ये हो गया, अब y इक्वल टू एम एक्स प्लस c आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, कैसे करेंगे बेटा, ये क्या हो गया रेजिस्टेंस और ये क्या हो गया टेम्परेचर, तो अगर आपसे कहा जाता y इक्वल टू mx ग्राफ ये जाता है mx + c इधर जाएंगे ऊपर, तो मतलब ग्राफ की पोजीशन ये हो गई, ये c किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये c हो गया बेटा r नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गया, आपसे पूछा जाए स्लोप बताओ कितना होगा, तो स्लोप किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा r नॉट अल्फा, ये r नॉट अल्फा के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, अब टाइम कहां टेम्परेचर जो है कहां पर नेगेटिव है कहां पर कौन सा ग्राफ होगा वो तो आगे की बात है, मतलब हमने एक जनरल ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर लिया, ठीक है, आपसे कहा जाए बड़े ध्यान से देखो, अगर आपसे कहा जाए कि भाई वॉल्यूम दे रखा है vt इक्वल टू आपका v नॉट इनटू ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा t, ये दे रखा है, कर सकते हो उसको आसानी से कर सकते हैं प्रेशर के फॉर्म में टेम्परेचर के फॉर्म में, ठीक है, बड़े आसानी से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से ग्राफ, तो स्लोप मींस बेटा क्या हो गया बोलो, स्लोप मींस क्या, ढलान मतलब टेन थीटा,
कितना टाइम के, दो टाइम के, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो आज की क्लास में बताइए पूरा का पूरा आपको समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर है।